हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है, टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहां पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है गणित का कि 400 बटा 200 का सरलतम रूप है। यहां पे आपको बताना है कि 400 बटा 200 का सरलतम रूप क्या होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इनको कटा देना है और कटाने के बाद जो भी बचता है वही इसका क्या होता है, सरलतम रूप होता है। तो यहां पे संख्या है 400 और बटा यहां पे 200। अब इसको कटा लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया और 2 2 ना यहाँ पे कितना हो गया 4। कटाने के बाद कितना बचा 2। ये 2 क्या है, इसका सरलतम रूप है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 2 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। जो अधातु होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे आयोडीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है यहाँ पे सोना, डी ऑप्शन है लोहा। तो आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है। तो जो आयोडीन होता है ये अधातु होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, चमकीला होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। जो पश्मीना ऊन होता है वो किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है भेड़, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है शेर, डी ऑप्शन है भालू। तो पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो ये भेड़ के रोए से बनाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, यानी बताना है कि भारत का स्थान क्या है चावल उत्पादक देशों में। ए ऑप्शन है पहला, बी ऑप्शन है दूसरा, सी ऑप्शन है तीसरा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चौथा। तो भारत का स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान आता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल उत्पादक में कौन सा देश पहले स्थान पे है, तो जो चीन है वो पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हिंदी भाषा होता है उसमें कितने वचन होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो वचन कितने होते हैं, तो वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि बहुपद 3x-4 के शून्यक है। इसका क्या करना है, आपको शून्यक निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए और बोले आपसे शून्यक निकालने के लिए, तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा और बराबर के उधर आप क्या कर दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 4 इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर भेज दीजिएगा, तो ये जोड़ेगा, यानी यहाँ पे बच जाएगा 3x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे x का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, ये इसका शून्यक होगा, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बताना है कि जो आंख का रेटिना होता है उस पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, सी ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है यहाँ पे आभासी और उल्टा। तो रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बनता है, यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। यहाँ पे बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। संविधान क्या है जिससे अपना देश चलता है, वही क्या है यहाँ पे संविधान है। संविधान एक बुक है। तो यहाँ पे देखिए बताना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है भारत का, सी ऑप्शन है यहाँ पे चीन का, डी ऑप्शन है यहाँ पे जापान का। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और संविधान किन्होंने लिखा है, तो संविधान यहां पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहां पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, काशी को किसकी पठशाला कहते हैं। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तक की, डी ऑप्शन है यहाँ पे वदना की। तो यहाँ पे बताना है कि जो काशी है इसको किसकी पाठशाला कहते हैं, तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या कौन सा होता है जिसमें रूट लगा हो या पाई लगा हो। अगर किसी भी संख्या में रूट रह जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, किसी भी संख्या में पाई रह जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 64, 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 64 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे ये रूट से क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ये कैसी संख्या होगा, यहाँ पे परिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए अंडर रूट यहाँ पे 81 है, 81 का यहाँ पे निकल जाएगा वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9। ये भी रूट से बाहर आ गया, ये भी परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए अंडर रूट 1/49, तो 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 होता है और 49 का वर्गमूल यहाँ पे कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे इसका भी निकल गया, ये भी रूट से बाहर हो गया, तो ये भी कैसा संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंडर रूट 21, तो यहाँ पे देखिए 21 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये तीनों परिमेय संख्या है, और जो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंडाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है यहाँ पे वीर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, तो इस क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे जाइगोट कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंडाणु किस में पाए जाते हैं, तो अंडाणु स्त्रियों में पाए जाते हैं, और शुक्राणु किस में पाए जाते हैं, तो शुक्राणु पुरुषों में पाए जाते हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि स्त्रियों में अंडाणु की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये काफी ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बॉक्साइड है इसका उपयोग किस उद्योग में करते हैं। ए ऑप्शन है जूट, बी ऑप्शन है यहाँ पे तांबा, सी ऑप्शन है सीमेंट, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइड ये अयस्क है, और इस अयस्क का उपयोग हम किसके उद्योग में करते हैं, तो इसे एल्यूमिनियम के उद्योग में करते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बॉक्साइड अयस्क होता है ये किसका होता है, तो ये एल्यूमिनियम का होता है। इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो एल्यूमिनियम उद्योग में करते हैं। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ है आपको बताना है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है यहाँ पे हैदराबाद में। तो आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पतन देवी, डी ऑप्शन है यहाँ पे गौरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की यहाँ पे पालिका देवी कौन है, तो ये पटन देवी है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे पटन देवी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को ही क्या बोला जाता है, विभेदकर बोला जाता है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप बी का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका विवेचक का मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे एक होता है। यहाँ पे देखिए बी का मान क्या होगा, तो जो एक्स में गुणा करता है वो बी होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स में कौन गुणा कर रहा है, तीन, यानी बी का मान यहाँ पे तीन हो गया। सी यहाँ पे देखिए जिसमें एक्स ओक्स कुछ भी नहीं होता है वो सी होता है, यानी यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 5। अब बस आप यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे देखिए बी का मान, तो बी का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, एक है, ए का मान कितना है, एक है, तो यहाँ पर रख देंगे एक, और सी का मान कितना है यहाँ पे माइनस 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस 5। तो तीन तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ पे 20 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, यानी हम लोगों का विवेचक कितना निकल गया यहाँ पे 29, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। यहाँ पे आपको तृतीय उपभोक्ता बताना है। ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास ऑपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्प। तो जो हरे पौधे होते हैं उसे उत्पाद बोलते हैं, और जो हरे पौधे को खाता है उसे हम लोग प्रथम उपभोक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रास ऑपर जो होता है वो हरे पौधे को खाता है, यानी ये हो गया हम लोग का प्रथम उपभोक्ता। और ग्रास ऑपर को कौन खाता है, तो ग्रास ऑपर को यहाँ पे मेढक खाता है, तो मेढक हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को कौन खाता है, तो मेढक को सर्प खाता है, यानी जो सर्प हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता। तो यहाँ पे अगर पूछा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन सा होगा, तो जो सर्प होगा वो क्या होगा यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता होगा। अगर इसी में पूछता है कि द्वितीय उपभोक्ता कौन होता, तो द्वितीय उपभोक्ता यहाँ पे मेढक होता। अगर प्रथम पूछता तो प्रथम कौन होता यहाँ पे, ग्रास होपर क्या होता, प्रथम होता। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। आप देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है यहाँ पे भारत में। तो मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, तो ये चीन में हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सिविल परीक्षा का शुरुआत कहाँ पे हुआ, तो सिविल परीक्षा का भी शुरुआत यहाँ पे चीन में ही हुआ। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ, तो कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ। यानी यहाँ पे प्रश्न है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, तो ये भी चीन में हुआ, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण इसमें से क्या है। तो जो संख्या का यहाँ पे विशेषता बताता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है थोड़ा, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे काला। तो यहाँ पे देखिए संख्यावाचक विशेषण कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 क्या है, संख्या का यहाँ पे विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संख्या विशेषण इसमें से कौन सा होगा, तो ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या विशेषण हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार। तो यहाँ पे देखिए जो स्वामी दयानंद हैं वो आर्य समाज की स्थापना किस शहर में किए, तो ये मुंबई शहर में किए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के समर्थक थे कि विरोधी थे, तो यहाँ पे देखिए जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो जब भी यहाँ पे देखिए भुजाओं का अनुपात दिया हो और बोले यहाँ पे कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो बस आपको क्या करना है कि इन दोनों का क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 9:16, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे जब आपको भुजाओं का अनुपात दे और बोले यहाँ पे कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो आपको क्या कर देना है, जो भुजाओं का अनुपात है उसका स्क्वायर कर देना है। जब यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दे और बोले कि भुजाओं का अनुपात निकालिए, तो आपको क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो फिर यहाँ पे अगर क्षेत्रफलों का अनुपात 16:3 है, 16 यहाँ पे 9:16 है, तो अगर पूछे कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आप लोग क्या कर दीजिए, इसका अंडर रूट कर दीजिए, फिर आ जाएगा यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 3:4, यहाँ पे 4, तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि गोबर गैस एक प्रकार का है, यहाँ पे बताना है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन है बायोगैस, सी ऑप्शन है लकड़ी, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोयला। तो यहाँ पे देखिए गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, बायोगैस है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे गोबर गैस होता है इसका यहाँ पे मुख्य घटक क्या होता है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो प्राकृतिक गैस होता है एलपीजी, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की प्रशासन पर कैसी पकड़ होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है यहाँ पे अति मजबूत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की प्रशासन पर कैसी पकड़ होती है, तो एकदम यहाँ पे ढीली होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध है, जो ये ननकाना साहब है ये क्या है, एक स्थान है जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रस खान से, सी ऑप्शन है प्रेमघन से, डी ऑप्शन है यहाँ पे घनानंद से। तो यहाँ पे देखिए ननकाना साहब का संबंध किससे है, तो ननकाना साहब का संबंध किससे है, तो यहाँ पे गुरु नानक से है, जो यहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ननकाना साहब में ही यहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है उपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आकर्ष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उसका उत्कर्ष देखकर जलता है। यदि एक देश दूसरे देश से आगे निकल रहा है तो दूसरा देश क्या होगा, जलेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 04 स्थित है, जो बिंदु 04 है वो कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रथम पाद में, बी ऑप्शन है तृतीय पाद में, सी ऑप्शन है एक्स अक्ष पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे वाई अक्ष पे। तो यहाँ पे देखिए ये आलेख हो गया, जिसमें ये जो लाइन है ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है यहाँ पे एक्स अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु होता है वो एक्स का होता है, और जो दूसरा होता है यहाँ पे वाई का होता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये कटता है इसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0:0 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का यहाँ पे 0:0 होता है। एक्स का मान कितना है, 0 है, यानी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया एक्स। और यहाँ पे देखिए वाई का मान कितना है, 4, तो यहाँ पे वाई अक्ष पे हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये संख्या कहाँ है पूछ रहा है, तो ये संख्या ना ही प्रथम पाद में है ना ही द्वितीय पाद में, ये कहाँ पे है, तो ये वाई अक्ष पे है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है डायनेमो, सी ऑप्शन है मोटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे एमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसे जनित्र बोलते हैं। जनित्र से विद्युत धारा
उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं, तो दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को डायनेमो कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे साथ साथ याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है WTO, सी ऑप्शन है यहाँ पे UNO, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो WTO है, यानी यहाँ पे विटो है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे। यहाँ पे बताना है कि जो सीता थी वो कितने, उसकी कितने बेटे थे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के यहाँ पे 3 बेटे थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीता किस कहानी के मुख्य पात्र है, तो धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्र है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है बोल्ट, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूल। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए विभवांतर को किस में मापते हैं, तो विभवांतर का को किस में मापते हैं, तो वोल्ट मीटर में मापते हैं, यानी यहाँ पे वोल्ट क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और यहाँ पे देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 6 से के स्क्वायर है माइनस 6 टेन है स्क्वायर है किसके बराबर होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दे तो आपको यहाँ पे लिख देना है 6 से के स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे 6 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए दोनों में 6 6 है, तो दोनों में से 6 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे होता है टेन स्क्वायर ए, ये कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो 6 और इसके जगह पे हम 1 लिख दिए, यानी 6 ब्रैकेट टूटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 में से गुणा होगा, यानी यहां पे कितना हो जाएगा 6। जो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप बना भी लिए होंगे। तो आप 30 प्रश्न यहां पे बना चुके हैं, तो इसमें से आपका जितना भी सही है वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, आपके कमेंट का यहाँ पे हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ही कम समय बचे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई में लापरवाही मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे सुबह 5 बजे आप लोग आके यहाँ पे टेस्ट दीजिए अपना, और यहाँ पे दोपहर 1 बजे यहाँ पे सब्जेक्टिव का क्लास होता है, वो भी आप लोग यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे देखिए सुबह 5 बजे आपका यहाँ पे मिक्स टेस्ट होता है, और दोपहर 1 बजे आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता है। और मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ये शाम यहाँ पे 6 बजे चलता है। और जिन बच्चों की तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है, छूट गया है, तो क्रैश कोर्स में बिल्कुल ही शुरू से पढ़ाया जा रहा है रात 8 बजे, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 क्लास चलता है, अगर 4 क्लास आप ज्वाइन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएंगे आप बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग अब पढ़ाई बहुत ही सीरियस होके यहाँ पे कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। इतना दिन आपका निकल गया, आपको पता भी नहीं चला होगा, अब दो यहाँ पे 2-2.5 महीना बचा है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये भी कितना जल्दी निकल जाएगा आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से आप लोग क्या कीजिए, बिल्कुल मन लगा के यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। और यहाँ पे आपको 400 यहाँ पे 450+ नंबर लाना है, ये आपका यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए, और यही लक्ष्य लेके आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है
कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा और आप लोग क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिए लाइव। यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों अपने भाइयों अपने बहनों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर कोचिंग का कोई ग्रुप है जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी है। बेल आइकन पे ऑल दबा लीजिएगा बेल आइकन को, तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।